हमास के साथ पहले से ही जंग लड़ रहा इसराइल अब दोहरे मोर्चे पर घिर गया है। ईरान ने रात भर इसराइल की धरती पर ड्रोन हमले किए। एक तरफ ईरान ने इसराइल को नई टेंशन दे दी है, दूसरी तरफ हमास आतंकियों ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इसराइल ने कहा है कि हमास ने संघर्ष विराम प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के अनुसार ईरान द्वारा समर्थित उग्रवादी संगठन हमास ने मध्यस्थों द्वारा जारी प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। मोसाद ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि इसके पीछे ईरान ही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हमास ईरान के साथ युद्ध में उलझे इसराइल के साथ फिलहाल कोई समझौता नहीं करना चाहता, बल्कि वो इसका फायदा उठाना चाहता है। गाजा पट्टी में इसराइल के भीषण नरसंहार के बाद भी हमास आतंकियों ने इसराइल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। मोसाद का कहना है कि हमास के नेता ईरान के साथ तनाव का फायदा उठाना जारी रखे हुए हैं और मानवीय समझौता और बंधकों की रिहाई अभी करने वाला है। मोसाद का ये बयान इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। इसराइल की तरफ से कहा गया है कि हमास के साथ संघर्ष विराम को मुमकिन बनाने की उसने काफी कोशिश की, लेकिन हमास अपनी जिद पर अड़ा है। हमास और इसराइल के बीच युद्ध विराम की बातचीत अमेरिका, कतर और मिस्र की मध्यस्थता में चल रही है। इसराइल का अचानक दिया बयान तब सामने आया जब पिछले हफ्ते यहूदी देश ने कहा था कि संघर्ष विराम की बातचीत काफी सकारात्मक चल रही है और जल्द ही परिणाम सामने आएंगे। उधर ईरान के ड्रोन हमले के बाद इसराइल पर एक और युद्ध का संकट मंडरा रहा है। इसराइल का कहना है कि वो खुद को सुरक्षित रखने और दुश्मन को चोट पहुंचाने का पूरा दम रखता है। इसराइल को अमेरिका और ब्रिटेन का भी सहयोग मिला है। दुनिया भर के कई देशों ने ईरान के हमले की कड़ी निंदा भी की है। इसराइल ने युद्ध कैबिनेट बुलाकर ईरान द्वारा और हमलों की आशंका जताई है। ईरानी हमले से जूझ रहे इसराइल को भी अब हमास ने दोहरी मार दे दी। इसराइल के विदेश मंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था कि हमास के साथ युद्ध विराम और अपने बंधकों की रिहाई के लिए वे काफी आशान्वित हैं। हालांकि ईरान के ड्रोन हमले के बाद हमास ने इसराइल के साथ युद्ध समझौता मानने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को दक्षिणी इसराइल पर हवाई हमला करके हमास आतंकियों ने 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके अलावा हमास 250 बंधकों को अपने साथ गाजा ले गए थे। इसराइल का दावा है कि हमास के पास अभी भी उसके 100 से अधिक नागरिक कैद में हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए इसराइल 6 महीने से गाजा की खाक छान रहा है। अपनों की तलाश और हमास के पूर्ण खात्मे की सनक में इजरायली सैनिकों ने गाजा शहर को शमशान बना दिया है। इजरायली हमले में 33,000 से ज्यादा बच्चों की जान जा चुकी है। इसमें ज्यादातर निर्दोष महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं।